हाय गाइस, वेलकम माय चैनल धीरज रिया ब्लॉग में, और आप सबका स्वागत है। कैसे आप सब हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फर्स्ट टाइम है, काम पर चल रहा हूँ और देख सकते हैं गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। दिन बाय दिन गर्मी बढ़ते जा रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं, गर्मी का मौसम है तो गर्मी बढ़ेंगे ही, तो अपना भी ख्याल रखें। और देख सकते हैं अभी तरबूज फल बहुत तरह का निकल गए हैं, जो कि अच्छा है गर्मी के सीज़न में खाना। और हम साइट पर पहुंच गए हैं काम के लिए, तो कल जो काम किए थे वो देखे थे, मगर आज कुछ नए काम करेंगे, मतलब कि आज जो काम है वो करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और देख सकते हैं आज पत्थर का मोल्डिंग बनेंगे और उसको लगाएंगे, तो आपको दिखाएंगे मोल्डिंग किस तरह से बनेंगे। और कल तो फ्रंट का, छत का जो भी डिज़ाइन थे देखे थे वीडियो में, ये सब जो भी थे, तो आज कोई खास नहीं। धूप बहुत हार्ड हो गया है, देख सकते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और देखिए कल पत्थर चिपकाए थे, इनको मोल्डिंग बनाएंगे और इस पर लगाना है दरवाजे में चौखट पर। तो ब्लेड नहीं है तो ब्लेड लाने जा रहे हैं, पत्ता ब्लेड आएंगे। तो रास्ता में देखिए ये हमें बहुत अच्छा लगे देखने में, तो हमने सोचे वीडियो में शामिल कर ले। आप लोग कॉमेंट में बताइएगा कि कैसा लगे। और बहुत ही अच्छा नज़ारा थे, बहुत ही अच्छा लग रहे थे देखने में ये मकान। तो हम चलते हैं क्योंकि काम भी करना है। तो धूप भी हाट थे पर प्लेट और पत्ता नहीं थे, तो ले आए हैं। और देख सकते हैं ग्लेंडर मशीन में, ये देखिए ब्लेड है जिससे पत्थर कटते हैं, और ये पत्ता है जिससे मोल्डिंग बनेंगे, जो चिकना होंगे पत्थर। तो ये ब्लेड ख़त्म हो गए, तो ये ब्लेड बदलना है। और ब्लेड देखिए किस तरह हम बदल रहे हैं, ये आज वीडियो में आप देख सकते हैं। ये बहुत हार्ड होते हैं, इनको जो है नट से खोलना पड़ते हैं रिंच से। अब नया ब्लेड लगा देते हैं, इसको भी सही से बैठाना होता है, नहीं तो फिर ये जंप करने लगते हैं, मैंने कि उछलने लगेंगे सही से नहीं बैठेंगे तो, क्योंकि सीधे चलना भी तो चाहिए सीधा, तो ब्लेड सही बैठेंगे तो सीधा चलेंगे। इनको हम कस देते हैं। और आप लोग मेरे चैनल में आए हैं और देख रहे हैं, अच्छी बात है, मगर लाइक भी आप लोग कर दें जिससे हमें सपोर्ट मिलेंगे, हमें हौसला बढ़ेंगे, इसलिए आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए चैनल को। और ये देखिए ग्लेंडर मशीन है, इसमें ब्लेड लगाना पड़ेंगे क्योंकि मोल्डिंग बनेंगे, मतलब कि आगे का चिकना करना है, बराबर करना है पत्थर को जो गेट के पास लगेंगे। और दोनों का कंप्लीट हो गया, ब्लेड चेंज कर दिए हैं, चाबी को रख देता हूँ। और देखिए सब पत्ता है जो कि पत्थर को चिकना करने के लिए, मोल्डिंग बनाने के लिए। तो ये जीरो नंबर है, देख सकते हैं ये जीरो नंबर, और ये भी जीरो नंबर, और दो नंबर ऐसे सब है, सबको हम पलट के दिखाते हैं। देखिए ये दो नंबर, ये जीरो नंबर है, इसी तरह और भी है नंबर, देख सकते हैं एक नंबर है, सब में लिखे रहते हैं नंबर, जीरो नंबर, एक नंबर, दो नंबर, ऐसे लिखे रहते हैं कि तीन नंबर, सबका अंतर बस थोड़ा सही रहता है आगे देखने में, तो कलर पीछे रहता है, नंबर लिखा रहता है जिसे पहचान पाते हैं हम लोग, पाँच नंबर, ये सब है। इससे हम लोग पत्थर को एक एक करके बारीकी से चलाते हैं जिससे कि पत्थर सही हो जाते हैं। और ये ब्लेड है जिससे पहला कटिंग चालू होते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें,
और देख सकते हैं पत्थर पे, इसको जो हम कटिंग करेंगे, फ्रेस करेंगे। और मास्क देखिए आज भूल गए तो रुमाल बांध लिए हैं और पन्नी सर में लगा दी थी, डस्ट भूल उठते हैं। और देखिए हम पत्थर को पत्ता मार दिए हैं और फ्रेश भी हो गए हैं, कुछ और भी चलेंगे इसमें। देख सकते हैं एक एक करके पत्ता मार रहे हैं कैसा लग रहे हैं। और हमने देखिए गेट पर पानी और सीमेंट दे दिए हैं और इस पर मसाला देखिए फिर लगाएंगे पत्थर को, तो हमने मसाला भी दे दिए हैं देख सकते हैं, और पत्थर को हमने सेट भी कर दिए हैं देख सकते हैं कैसा लग रहा है पत्थर लगने के बाद। ये बाथरूम है इसलिए अंदर से गेट ऊंचा रखे हैं आधा इंची, और ये स्टोर रूम है तो इनका भी गेट उसी तरह मसाला वसाला सब देके सेट कर दिए हैं देख सकते हैं गेट का काम कितना अच्छा लग रहे हैं। और देख सकते हैं काम किस तरह हम करते हैं, आप लोग को वीडियो में बताते रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें लगे कि आप लोग को कैसा लग रहे हैं वीडियो पता चल पाए। और देखिए हमने किचन का भी गेट भर दिए हैं, अब रहा ये मेन हॉल है जो कि के नीचे पाइप सब है, सभी जगह का आ रहे हैं बाथरूम किचन का, तो इसको कटिंग कर देंगे जिससे कि बाद में फिर इस पर पत्थर सेट होंगे फर्मा पर जो कि ढक्कन होंगे। और ये देखिए मशीन जो है नहीं सही से चल पा रहे हैं तो कार्बन चेक करते हैं, हो सकता कुछ गड़बड़ी आ गए हैं, तो कार्बन हमने खोल लिया, इसका तार पहले प्लग से खोल दिए तभी मशीन को खोल रहे हैं, नहीं तो करंट का झटका लग सकते हैं। तो देखिए ये बल ये जो है कार्बन है तो इस पर मशीन चलता, ये ख़राब हो गया है जल चुका है, तो हमें जो है नया कार्बन तब जाना पड़ेगा दुकान, तो फिर टाइम नहीं है, दूसरा मशीन है तो इससे हम काम कर लेते हैं, इसका सिर्फ ब्लेड बदल देंगे और हम फिर काम चालू कर देंगे वापस से। तो देखिए हमने कटिंग कर दिए हैं और ये ढक्कन निकल गए हैं, अब देखिए पाइप दिख रहे होंगे, इसको सफाई होगा क्योंकि मसाला गिरा है, क्योंकि मसाला गिर जाता है अगल बगल। और देखिए छत पर आए हैं, इस पर भी गेट भरना है, और मौसम देख सकते हैं कैसा है, बारिश का मौसम हो गया है, कुछ कुछ बारिश भी हो रहे हैं आप देख सकते हैं, यदि वीडियो में दिख रहा हो तो देख सकते हैं बारिश हो रहे हैं। और आसमान का देखिए बादल किस तरह है, मौसम मतलब आजकल पता ही नहीं है कब ठंड कब गर्म हो जाएंगे, अभी बारिश हो रहे हैं हल्का हल्का देखिए बारिश दिख रहे हैं, और ठंड थोड़ा सा हो गया है एकाएक, ये तो बहुत गर्मी था फर्स्ट टाइम। और देख सकते हैं पत्थर पर भी बूंदा बूंदी दिख रहे होंगे, कुछ टाइल पर भी दिख रहे हैं, तो खैर मौसम क्या कर सकते हैं, जो है सो है, आप लोग बस अपना ख्याल रखें। और ये हरियाली देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहे हैं। और हमने गेट पर देखिए मसाला दे दिए, पानी दे दिए, पत्थर कटिंग किए थे, अब इसको हम लगा भी दिए। और वीडियो आप लोग के लिए हम शॉर्ट में ही बनाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएंगे यदि हम बारीकी से देख बताते रहें दिखाते रहें। और आप लोग को यदि अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और विस्तार से जानना चाहते हैं यदि तो अभी कमेंट करके बताएं, तो हम विस्तार से भी वीडियो कभी बना दिया करेंगे। ऐसे मेरे चैनल पर बहुत तरह का वीडियो है टाइल पत्थर के विषय में, आप देख सकते हैं। और शाम का टाइम है, छुट्टी हो गए हैं और हमने रास्ता में चल दिए हैं, और देख सकते हैं रास्ता में किस तरह से शाम के समय भीड़ है, तो रास्ता को आराम से पास कर लेते हैं पहले। और देख सकते हैं रूम आ गए हैं, और आज हमने कुछ बाहर से ले आए हैं खाने के लिए, सोचा आज मौसम ठीक नहीं है क्या बनाऊँ कुछ क्या खाऊँ, तो आज बड़ा दिन हो गया ऐसे बाहर का कोई चीज़ हम खाते नहीं हैं, तो आज हमने लाए, देखिए पेड़ा है, मीठा वाला है,
और संदेश भी कहते हैं, और आप लोग क्या करते हैं बताइएगा कमेंट में। और हमने सोचे कुछ रोटी भी बना लेता हूँ, दो चार रोटी मिक्स करके खा लेंगे जिससे अच्छा रहेंगे, क्योंकि अब सब्जी बनाना पड़ेंगे, आई एक आदमी है। और खैर जो भी मिला जुला के खा लेता हूँ, और अकेला ही रहना हमें अच्छा भी लगता है। और देख सकते हैं थोड़ा सा सब्जी था, कोई इसमें हम प्याज और मिर्च काट के डाल दिए हैं। और आप लोग भी आइए खाइए, और आज का वीडियो काफ़ी हो गए हैं। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।